हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनिल लेख के वीडियो। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि लकड़ी के ऊपर, सागवान की लकड़ी के ऊपर हाथ से पॉलिश कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंगे वुड फिलर। ये है वुड फिलर, इससे इसकी रिपेयर करेंगे। अगर आपको दरवाजे में करना है तो उसमें जहाँ पे क्रैक वगैरह हो तो उसमें पहले रिपेयर कर लेंगे वुड फिलर से। ये टीक कलर का वुड फिलर है, इसे रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद में ये सूखने के बाद में इसके ऊपर हमें रेगमाल लगाना है, 80 नंबर या 60 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल, जिससे कि लकड़ी बराबर हो जाए पूरी इस तरह से। रेगमाल लगाने के बाद में इसके ऊपर मारेंगे पॉलिश, स्प्रिट पॉलिश। ये है लाखदाना और ये स्प्रिट। ये स्प्रिट में डाल के बनाई जाती है। बोतल में डालने के बाद में इसे धूप पर रखना पड़ता है, जब घुल जाती है पूरी तब इसको यूज करते हैं। ये मैंने बना के रखी है पहले। इसे एक डब्बे में कपड़े से छान लेंगे। और इसे इसके ऊपर मारना है इस तरह से। एक दो हाथ मारने के बाद में इसके ऊपर हल्का फुल्का रेगमाल लगा लेंगे, 220 या 320 नंबर का, जिससे कि इसकी नसें वगैरह जो कट जाएंगी। और इसके ऊपर फिर से एक दो हाथ मार दें। एक दो हाथ मारने के बाद में इसका बेस तैयार है। अब इसके ऊपर अगर आपको प्यू पॉलिश करनी है तो प्यू पॉलिश कर दीजिए, अगर मेलामाइन पॉलिश करनी है तो मेलामाइन पॉलिश कर दीजिए, अगर लाइकर वाली पॉलिश करनी है तो लाइकर वाली पॉलिश भी हो जाएगी इसके ऊपर। इसके ऊपर गन और ब्रश दोनों तरीके से पॉलिश हो जाएगी। एक गन से सफाई थोड़ी सी बढ़िया आ जाती है, बाकी ब्रश वगैरह से करने से उतनी ज़्यादा सफाई नहीं आ पाती है। तो मैं आपको ब्रश से करके दिखा देता हूँ इसके ऊपर ग्लोसी करके। तो सबसे पहले ये है पीयू सीलर, सबसे पहले इसको मारेंगे हम इसके ऊपर ब्रश से। ये पहले थोड़ा सा माल मोटा ही रखना है ताकि इसकी नस वगैरह है भर जाए अच्छी तरह से। और ये ब्रश से जब भी करना है आपको, तो जैसे दरवाजा आपको करना है तो लिटा के करना है हमेशा, क्योंकि अगर खड़े दरवाजे पर मारेंगे तो माल लटर सकता है। अगर लिटा के करेंगे तो बढ़िया फिनिशिंग आएगी। ये सूख गया है पूरा। अब इसके ऊपर 320 या 400 नंबर का रेगमाल मार देंगे हल्का फुल्का, जिससे कि इसके दाने दूने कट जाएं। ये चाहे तो आप पानी से मार सकते हैं या सूखा ही मार सकते हैं। पानी से मार देंगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पानी से दाने वगैरह ज़्यादा कट जाते हैं, थोड़ी सी स्मूथनेस ज़्यादा आ जाती है पानी से काटने पर। साफ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में अगर आपको इसके ऊपर स्पीड पॉलिश गद्दी मारनी है तो मार सकते हैं, नहीं मारनी है तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही मार देंगे इसके ऊपर ग्लोसी। ग्लोसी थोड़ी सी पतली रखनी है कि मोटी रखेंगे तो उससे ब्रश के निशान ज़्यादा आएंगे, पतली से ज़्यादा निशान नहीं आएंगे। इस तरह से मार देना है इसके ऊपर। और ये हो गया। अगर इसके ऊपर डबल कोट लगाने की जरूरत है तो डबल कोट मार सकते हैं सूखने के बाद में। और ये सूख चुका है पूरा। ये देख लीजिए इसकी इस तरह की फिनिशिंग हो गई है।
हल्के फुल्के दाने दिख रहे हैं, बाकी कोई ब्रश के ज़्यादा निशान नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर गन की जैसी फिनिशिंग चाहिए तो इसके ऊपर आप कंपाउंड रगड़ देंगे तो गन जैसी फिनिशिंग आ जाएगी इसके ऊपर। कंपाउंड कैसे रगड़ा जाता है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है पिछली वीडियो में, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।